नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल और आज स्पेशल रिपोर्ट में बात मोदी के सर्वे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया सर्वे करवाया है, वही सर्वे जिसे लॉकडाउन की संभावनाओं से लिंक करके देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी के सर्वे का रिजल्ट लॉकडाउन के डर से टेंशन फ्री करने वाला है। आज देश के सभी हेल्थ सेंटर्स पर मॉकड्रिल हुई। मॉकड्रिल में कौन कौन से राज्य पास हुए और कौन कौन से राज्य फेल, आपको डिटेल रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। यकीन मानिए, मोदी का कमिटमेंट है मास्क और दो गज की दूरी का ख्याल रखा तो चाइनीज वायरस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। एक दिन, एक साथ और एक वक्त पर मोदी का ऑल इंडिया सर्वे शुरू हुआ। दुनिया के कई मुल्कों में कहर बरपा रहे वायरस पर बड़ा निर्णय लेने से पहले नरेंद्र मोदी ने फुल होमवर्क किया। देश में कोरोना के हर एंट्री पॉइंट का ऑन लोकेशन सर्वे करवाया। अब सर्वे कंप्लीट हो गया, यानी मोदी ने लॉकडाउन पर अपना निर्णय लॉक कर लिया है। निर्णय लॉक करने से पहले मोदी के होमवर्क को समझिए। देश में चीन जैसा सीन क्रिएट ना हो, चाइनीज वायरस के कहर वाला पैनिक बटन ना दबे, नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन का सरकारी ऑर्डर जारी ना करना पड़े, लिहाजा ऑन टाइम टीम मोदी ने मोर्चा संभाला। नॉन स्टॉप एक्शन शुरू हो गया। थोड़ी देर में लॉकडाउन को लेकर मोदी के सर्वे का रिपोर्ट कार्ड आपको बताएंगे। उससे पहले मोदी की लॉकडाउन रोको टीम के बारे में आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में नीतीश कुमार, पंजाब में भगवंत मान, राजस्थान में अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, झारखंड में हेमंत सोरेन, ओडिशा में नवीन पटनायक, केरल में पिनाराई विजयन, आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, असम में हेमंता बिस्वा सरमा। चाइनीज वायरस के संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरा देश एक पेज पर है। राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, लेकिन जब महामारी से लड़ना है तो सभी एक साथ मोदी के लीडरशिप में चाइनीज वायरस से निपटने में जुट गए। ये देश की एकता की ही ताकत थी कि जिस महामारी ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को मजबूर कर दिया, भारत ने उसका मजबूती से मुकाबला किया है। आज देश कोरोना से उभर भी रहा है और एकजुट होकर आगे भी बढ़ रहा है। हम केंद्र सरकार के उस पे निर्देश पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉलेज इस टाइम और एक्सपर्टीज केंद्र सरकार के पास है। कितना हमें तैयारी करने की जरूरत है, कितनी वो, तो केंद्र सरकार जैसे जैसे आदेश देगी हम उन आदेशों का पालन करेंगे। वी डिस्कस्ड अबाउट कोरोना एंड वी आर मॉनिटरिंग ऑल दिस। वी सेट अप अ कमिटी आल्सो टू टेक केयर दैट व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज द कोविड की दूसरी और तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट्स ने डरा देने वाली जानकारियां या चेतावनी जारी की थी। वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर और भारत में वैक्सीनेशन की उपलब्धता को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, लेकिन ये तमाम एक्सपर्ट्स भारत को लेकर गलत साबित हुए। और उसके पीछे की वजह क्या थी? मोदी का क्राइसिस मैनेजमेंट, और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से मोर्चा संभाल लिया है। हम आगे बढ़े उससे पहले लॉकडाउन पर मोदी के सर्वे की चेकलिस्ट आपको बताते हैं। एक साथ ऑल इंडिया चाइनीज वायरस से निपटने की तैयारियों की मॉक ड्रिल हुई। मतलब ये कि प्रधानमंत्री के चेकलिस्ट के हिसाब से तैयारियों का निरीक्षण हुआ। अगर कोरोना की लहर आई तो मरीजों के लिए वेंटिलेटर वाले बेड हैं या नहीं, पर्याप्त आईसीयू वार्ड हैं या नहीं, प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में कोविड के सेपरेट बेड हैं या नहीं, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम रेडी है या नहीं, ऑक्सीजन प्लांट एक्टिव है या नहीं, हॉस्पिटल में दवाओं की डिमांड एंड सप्लाई की स्टेटस रिपोर्ट क्या है।
प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है, उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी हेल्थ सेंटर पर मॉक ड्रिल की गई। हेल्थ सेंटर की मॉक ड्रिल से पता चला कि चाइनीज वायरस से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। सिस्टम में कोई कमी है तो वक्त रहते पता चल गया। यहाँ आपको ये भी समझना है कि आखिर मॉक ड्रिल का लॉकडाउन के निर्णय से क्या कनेक्शन हो सकता है। लॉकडाउन का मतलब है पूरे इलाके को सीज कर देना। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर पब्लिक प्लेस में एंट्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया जाता है। मकसद होता है कोरोना वायरस के संक्रमण को कंट्रोल करना। अगर कोविड से लड़ने की तैयारी पूरी है तो लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी। मॉक ड्रिल के रिजल्ट से सरकार को पता चल गया कि कोरोना से लड़ने की तैयारी कितनी फूल प्रूफ है। सरल शब्दों में समझें तो मॉक ड्रिल का रिजल्ट तय करेगा कि लॉकडाउन की जरूरत है या नहीं। हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। देश के हर राज्य में मॉक ड्रिल की गई। सभी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टरों ने चाइनीज वायरस से पैदा होने वाले खतरे से निपटने के इंतजामों का लाइव टेस्ट किया। आज यहाँ मॉक ड्रिल किया गया, किस तरह से किसी पेशेंट को आके 5 मिनट के अंदर अंदर उसके डिजायर्ड एरिया में जहाँ उसको ले जाना है वहाँ पूरा टेस्ट करके या पूरा चेकअप करके इमिडिएटली वहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सीमलेस हो, उसका मॉक ड्रिल भी हमने देखा यहाँ पे, तो अच्छा है। अभी तो व्यवस्थाएं सारी अच्छी हैं। सभी अस्पतालों में जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं और वेंटिलेटर्स हैं, चिकित्सीय स्टाफ है, चिकित्सक हैं, नर्सेज हैं, वो उपलब्ध हैं और किस ढंग से इलाज करना है। राज्य की जनता को कैसे बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन दे सके इसके लिए प्रयासरत है। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं पीएसए प्लांट का हमने जो है जाँच किया है, और भी सब ऑपरेशनल है और सारे काम कर रहे हैं, और कुछ कुछ कैसे बेडों की संख्या बढ़ाना है, कैसे और अतिरिक्त सुविधा देना है, इस पर हम लोग चिंतन करेंगे। लाइव टेस्ट के रिपोर्ट कार्ड में लॉकडाउन की संभावनाओं का पूरा जवाब मौजूद है। मोदी के सर्वे में क्या निकला, बहुत गौर से सुनिए। पहला सब्जेक्ट बूस्टर डोज, रिजल्ट डराने वाले हैं क्योंकि टेस्ट में करीब 30% पास, 70% फेल। दूसरा सब्जेक्ट वैक्सीन, वैक्सीन की डिमांड एंड सप्लाई को देखें तो सरकार को पूरे नंबर मिल रहे हैं। तीसरा सब्जेक्ट वेंटिलेटर, कोरोना की पहली लहर के बाद सरकार ने पर्याप्त वेंटिलेटर सभी राज्यों को मुहैया करवाए, इस सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन के साथ सरकारें पास हुई। चौथा सब्जेक्ट ऑक्सीजन, कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी हुई थी लिहाजा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए थे, सर्वे में ऑक्सीजन पर डिस्टिंक्शन नंबर मिले। पांचवा सब्जेक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉक ड्रिल में ये पाया गया कि ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में हेल्थ सिस्टम पहले से बेहतर है, इसमें 60% नंबर मिले। मतलब ये लॉकडाउन का सर्वे का रिजल्ट आउट हो चुका है। मौजूदा इंतजाम ऐसे हैं कि कोरोना से लड़ सकते हैं। लॉकडाउन को लेकर अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो इसे दूर करने वाले तथ्य आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक यानी 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था।
दुनिया भर की कोरोना रिपोर्ट को देखते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का 31 मई 2020 तक एक्सटेंशन किया गया, लेकिन 1 जून 2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया गया था। मतलब ये कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन दोबारा नहीं लगा। इस दौरान कोविड की कई लहर आई, अब लॉकडाउन का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। एक लाइन में समझें तो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की संभावना ना के बराबर है। जो नया कोरोना आया है इसमें लोगों की घबराने की बात नहीं है, लेकिन हर तरह से हम लोग अलर्ट रहने की जरूरत है। यदि इसकी जरूरत होगी तो गवर्नमेंट इसके लिए चौथा वैक्सीन के लिए गवर्नमेंट रेडी रहेगी, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉकडाउन को लेकर पैनिक से बचना है, लेकिन मास्क पहनकर चाइनीज वायरस को वक्त रहते हराना है। आज तक ब्यूरो। आपने कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी का लॉकडाउन पर फाइनल रिजल्ट देखा। कोरोना की नई लहर पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से बैरिकेडिंग की तैयारियां की है वो देखा, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि कैसे दुनिया का सुपर पावर मुल्क, जी हां, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका इस वक्त मौसम के कहर से पनाह मांग रहा है। पूरा अमेरिका बर्फ में जम गया है। अमेरिका पर बर्फबारी का ऐसा बम फूटा है कि जिंदगी बर्फ की गर्त में समा सी गई है, और इस वक्त अमेरिका में तापमान -45 डिग्री पहुंच गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका में हिम युग आ गया है। बर्फबारी इतनी है कि कई लोग कारों और घरों में ही बैठे दब गए हैं। मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। ये दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका की तस्वीरें हैं, जो इस वक्त बर्फ में दबा पड़ा है, या कहें कि अमेरिका ने मौसम के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं। बर्फ की गर्त में गोते लगाते इस बेबस अमेरिका को दुनिया देख रही है। जिस अमेरिका में एक एक जान कीमती होती है, वहां 60 अमेरिकियों की जिंदगी बर्फ में दफन हो चुकी है। आज हम आपको अमेरिका में इस बर्फीली त्रासदी की वो सच्चाई बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में सोचकर अमेरिका भी डरा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को व्हाइट हाउस से इस बर्फ वाली इमरजेंसी पर ना चाहते हुए भी सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त अमेरिका में पारा कितना होगा? तो सुनिए, अमेरिका में पारा -45 डिग्री तक पहुंच चुका है। बर्फीला तूफान लोगों की जिंदगी पर सीधा आघात कर रहा है। अमेरिका में पारा -45 डिग्री पहुंचा। बर्फीले तूफान ने अमेरिका में मचाई भयंकर तबाही। बर्फीले तूफान के चलते अब तक 60 लोगों की मौत। अमेरिका के इतिहास में सबसे भीषण त्रासदी है, जिसने अब तक 60 लोगों की जान ले ली है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि तमाम शव अब भी सफेद कब्र में दबे हुए हैं। तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि जैसे अमेरिका में हिमयुग आ गया है। अमेरिका में अचानक से इतनी बर्फ क्यों गिरी? क्या अमेरिका में हिमयुग आ गया है? आखिर क्या होता है हिमयुग? क्या आपने हिमयुग का नाम सुना है? नहीं सुना, हम आपको बताते हैं। हिमयुग उस लंबे काल को कहते हैं जब पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का तापमान घट जाता है, जिससे हिम यानी बर्फ की परतों और ग्लेशियरों का विस्तार होता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि पिछला हिमयुग कोई 25,80,000 साल पहले आरंभ होकर 11,000 साल पहले समाप्त हुआ। इस युग में भी अधिक ठंड काल आते हैं, और कुछ कम ठंडे हिमयुग के कई कारण माने जाते हैं, जैसे वातावरण में मौजूद गैसों के अनुपात में परिवर्तन, पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा पथ में परिवर्तन, पृथ्वी के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से पृथ्वी की सतह में आया बदलाव, जो हवा और समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। हालांकि अमेरिका में जिस तरह से बर्फ वर्षा हुई है, उसे बॉम्ब साइक्लोन का नाम दिया गया है। हम आपको बॉम्ब साइक्लोन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका की 60% आबादी इस तूफान की चपेट में आई है। अकेले न्यूयॉर्क शहर में मरने वालों की संख्या 25 से ऊपर पहुंच गई है। तूफान इतना भयानक है कि घरों और कारों में ही लोगों की कब्र बन गई। आपको बता दें कि अमेरिका में बर्फबारी के चलते
7 लाख घरों की बिजली गुल हो गई है। इस बीच ठंड से सबसे अधिक प्रभावित न्यूयॉर्क का बफलो इलाका हुआ है, जहां 43 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है। इस वीडियो को देखिए, जिसमें समझ में आता है कि कैसे अचानक से अमेरिका में बर्फीला तूफान और फिर सब कुछ बर्फ की आगोश में समाता चला गया। अब कुछ अमेरिकी क्षेत्रों में स्थिति ऐसी है कि दरवाजे से हाथ बाहर निकालते ही उस पर बर्फ सी जम जा रही है। न्यूयॉर्क की हालत बद से बदतर है। यहाँ पर बफलो सिटी में एरी झील तक जम गई है। यहाँ कुछ लोगों के शव कार में मिले तो कुछ बर्फ में दबे हुए पाए गए। खराब मौसम की वजह से अमेरिका में 48 घंटे में 15,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई। न्यूयॉर्क की मेयर ने इसे बिल्कुल किसी वॉर जोन की तरह करार दिया है। And in the South Town, they had 30 to 40 inches of snow overnight. So anyone who declares victory and says it's over, it is way too early to say this is at its completion of maybe the severity is downplaying now, and right now it's not as bad as it had been over the last couple of days, but it is still a dangerous situation to be out. हम आपको बताते हैं कि अमेरिका में आए इस बर्फीले तूफान को बम साइक्लोन क्यों कहा गया है। तो सुनिए, धरती के उत्तरी ध्रुव की तरफ से आने वाली सर्द हवाएं अमेरिका पहुंच रही हैं। इसे आर्कटिक ब्लास्ट कहा जा रहा है। इन सर्द हवाओं ने अमेरिका के वायुमंडल में इतनी ठंडक पैदा कर दी है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका के ऊपरी वायुमंडल में मौजूद नमी गर्भ हवा के ऊपर से अधिक सर्द हवाएं गुजरी तो दबाव पैदा हुआ और उससे बॉम्ब साइक्लोन की स्थिति बन गई। विज्ञान कहता है कि बॉम्ब साइक्लोन की स्थिति तब बनती है जब सेंट्रल प्रेशर 24 घंटे के अंदर कम से कम 24 मिलीबार गिरा हो। सर्दियों में अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब आर्कटिक इलाके से ठंडी हवाएं गर्म इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ती हैं और 24 घंटे के अंदर तापमान माइनस में पहुंच जाता है। अमेरिका में क्रिसमस के दौरान आए बर्फीले तूफान से देश के करीब 20 करोड़ लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क और मोंटाना जैसे शहर हैं, जहां तापमान -45 डिग्री तक पहुंच गया है। अमेरिकी अधिकारी इसे सदी का भयावह तूफान बता रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो आर्कटिक ब्लास्ट का असर अमेरिका में दिख रहा है, लेकिन इस बीच में अब बड़ी खबर करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो नैनीताल से भी कम है। नैनीताल धर्मशाला का तापमान भी दिल्ली से ज्यादा है। दिल्ली का जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो 5.6 डिग्री रिकॉर्ड किया है। दिल्ली में लोग ठिठुर रहे हैं, और क्यों ठिठुर रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं आसानी से, क्योंकि नैनीताल धर्मशाला ये हिल स्टेशन है, ये ऊंचाई वाले क्षेत्र है, पहाड़ी हिस्से हैं, लेकिन मैदानी भागों में कितनी ठंड है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हरियाणा पंजाब में बुरा हाल है, लेकिन दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री नैनीताल और धर्मशाला से भी कम, देहरादून से भी कम। दिल्ली का तापमान 5.6 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यही वजह है कि दिल्ली में भी लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। धर्मशाला में जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 6.2, दिल्ली का 5.6 डिग्री उससे ज्यादा, वहीं देहरादून का 7 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो नैनीताल का, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, 7.2 डिग्री न्यूनतम तापमान नैनीताल का था। धर्मशाला, नैनीताल, देहरादून से कम देश की राजधानी दिल्ली का टेम्परेचर। तो ठंड का जो सितम हो लगातार जारी है, और देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो 5.6 डिग्री जो टेम्परेचर है वो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ठिठुरन लगातार बढ़ रही है, यानी कि ठंड अपने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और दिल्ली वाले 5.6 डिग्री के इस टॉर्चर को झेल रहे हैं, और आने वाले समय में भी बताया जा रहा है कि जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये टॉर्चर लगातार जारी है। तो आने वाले दिनों में जो ठंड है वो फिलहाल कम होने का नाम नहीं लेगी, आसार कम है। यूपी, हरियाणा, पंजाब में भी ठंड ने लोगों पर प्रचंड प्रहार किया है। मैदानों में ठंड जारी है तो पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से बेहद चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। नए साल का जश्न मनाने और पहाड़ों की बर्फबारी देखने के लिए टूरिस्ट का सैलाब पहाड़ की ओर निकल पड़ा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। अगर दिल्ली में घरों से निकलते ही आपकी ठंड से गठरी बंद रही है, आप थरथर कांप रहे हैं, तो इसकी वजह भी जान लीजिए।
जी हाँ, दिल्ली में इस वक्त न्यूनतम तापमान 4 डिग्री चल रहा है, साथ में शीतलहर भी चल रही है। इसी वजह से दिल्ली NCR वालों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के साथ साथ दिल्ली वालों का सामना कोहरे से भी हो रहा है। सोमवार यानी 26 दिसंबर को दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। वैसे भी देश में दिल्ली की सर्दी मशहूर है और इस वक्त वही सर्दी पड़ रही है। खास बात यह है कि दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। यही है कि जो करेंट्स पहले वो बहुत सीवियर चल रहा है, इंक्लूडिंग दिल्ली ऑल्सो, और मेनली हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड नॉर्थ राजस्थान, मतलब उत्तर भाग अब जो राजस्थान का है। और सबसे जो कम तापमान का रिकॉर्ड आया है वो कंटिन्यू टू बी चुरू, सीकर, हिसार एंड नॉर्नल। सिर्फ NCR ही नहीं बल्कि इस वक्त कड़ाके की ठंड से पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। राजस्थान के कई शहरों में बर्फ जम रही है, चूरू में तो पारा 0 डिग्री चला गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चूरू में बर्फ जमना शुरू हो गई है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे से लोगों को जंग सी लड़नी पड़ रही है। यूपी में पारा 6 डिग्री पहुंच गया है और अगले एक हफ्ते तक और कड़ाके की ठंड पड़ने के पूरे आसार हैं। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में पारा माइनस में चला गया है। भारी ठंड के चलते लाहौल स्पीति में नदी और नाले पूरी तरह से जम गए हैं। हिमाचल के उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर, लाहौल सहित चंबा, मंडी, कुल्लू और शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट का जाम लगा है। मनाली आने वाले पर्यटकों के लिए रोहतांग जाना, रोहतांग टनल क्रॉस करके लाहौल की तरफ जाना और वहां पर सफेद बर्फ की चादर देखना जो एहसास है वो स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन इस स्वर्ग तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये मनाली से लेकर रोहतांग तक जाती है। सामान्य तौर पर इस जर्नी में जो है सिर्फ 45 मिनट यानी पौने घंटे का समय लगता है, लेकिन टूरिस्ट, पर्यटक इतनी बड़ी संख्या में मनाली पहुंच गए कि इस पूरी सड़क में ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। घंटों लोगों को सड़क पर ही बिताने पड़ रहे हैं, उसके बाद कहीं बर्फ के दर्शन हो रहे हैं। आज तक आपको दिखा रहा है कि कैसे हिमाचल में बर्फ देखने की होड़ में टूरिस्ट घंटों घंटों जाम में फंसे हैं। हिमाचल प्रदेश ने एडवाइजरी भी जारी की है, अगर किसी का होटल पहले से बुक नहीं है तो वो हिमाचल प्रदेश में ना आए। पूरे कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीती रात पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई जिससे और तापमान में गिरावट आई है। श्रीनगर की अगर बात करें तो यहां का तापमान रात में -4 डिग्री तक लुढ़का, जबकि दिन का तापमान भी 2 से 5 डिग्री के आसपास ही रहने की आशंका है। फिलहाल आने वाले दिनों में भी कश्मीर में लोगों को ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 30 दिसंबर को कश्मीर में मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहना है कि यहां पर और एक ताज़ा बर्फबारी हो सकती है जिससे और भी ठंड बढ़ेगी। पहाड़ों पर प्रचंड ठंड और बर्फबारी भले ही टूरिस्ट को लुभा रही हो, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ठंड ने आफत शुरू कर दी है। शिमला से मंजीत सहगल के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और आइए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का कारनामा। आपको भी यकीन हो जाएगा कि यूपी की पुलिस कितना सतर्क, कितनी फुर्तीली और कितनी सजग है। देखिए, संत कबीर नगर के थानों में निरीक्षण पर DIG निकले थे। कोतवाली खलीलाबाद में उन्होंने पुलिस वालों से उनके हथियार चलाने के लिए कहा। ये इसलिए कहा क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आपात स्थिति में अपराधियों का सामना करने के लिए पुलिस वाले तैयार हैं कि नहीं। मगर अफसोस कि पुलिस वालों से उनकी बंदूक चली ही नहीं। फिर उसके बाद क्या करोगे? बोल चलाएंगे सर। कहां पर है? और पुलिस के जो एक जवान है वो नली में बाहर से गोली डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अब तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस वालों को ऐसा करते देख DIG खुद भी हंस रहे हैं।
पहली बार में तस्वीरों को देखकर किसी को भी हंसी आ सकती है, मगर ये हंसने से ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारे पुलिस को इतना तक नहीं मालूम है कि एक गन को चलाते कैसे हैं, तो फिर आपकी और हमारी सुरक्षा होगी कैसे, क्या ऐसे? बहरहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।